ऐसे हबड़ा दबड़ी में भाई टर्की से भागे हैं। ग्रीस बॉर्डर तक का रास्ता देखो भाई, बिल्कुल सी के किनारे किनारे होते हुए जा रहा है। यहाँ 7 रुपए का 1 लीटर डीजल। चलो भाई चलो मार। ओबे ओ भाई साहब बहुत पानी, वो है प्रेशर। लेवर अगर नई वाली आई ना इंडिया में भाई पक्का लूंगा। स्टेट जाते जाएंगे तो ग्रीस बॉर्डर है यहाँ से 15 किलोमीटर का। थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इनको बोलना था 900 लीरा। और सीरियसली भाई इस लड़की ने ग्रीस बॉर्डर पे बहुत ज्यादा हेल्प करी। चलो जी चलो, अपनी गड्डी जो है वो रेडी है यूरोप में एंटर करने के लिए। शाम के इस वक्त 3:30 बज रहे हैं और यहाँ से हम निकल रहे हैं भाई बॉर्डर के लिए, यानी कि टर्की को भाई बोलने के लिए। ओ भाई साहब गर्मी बढ़ गई है आज। वैसे धूप नहीं है इतनी, बट ह्यूमिडिटी टाइप की बहुत है। पहले तो ये इस्तांबुल की गलियों से निकला जाए, बहुत कन्फ्यूजिंग गली है भाई। मेन हाईवे पे पहुँचते हैं। चलो भाई फाइनली जो है मेन हाईवे पे चढ़ चुके हैं। ऐसे सिटी में चला के ना बड़ा अजीब सा लगता है, इतनी पतली पतली गलियां, लोग निकल रहे हैं इधर उधर से। हाईवे सही रहते हैं भाई, मस्त अपनी लेन में कंटिन्यू रखो, 100-110 की स्पीड मजे से चलाओ। बाकी यार एक और नया दिन, एक और नई जर्नी। आज है 30 जून 2023। मैं हूँ अभी टर्की के एक खूबसूरत शहर इस्तांबुल में, एंड आप देख रहे हो भाई नमस्ते लंदन रोड ट्रिप का एक और नया एपिसोड स्पॉन्सर्ड बाय वाउस्किन साइंस। इस ट्रिप में हम निकले हुए हैं भाई दिल्ली टू लंदन अपनी स्कॉर्पियो एन को लेके बाय रोड 110 दिनों के लिए 25,000 किलोमीटर गाड़ी चला के, एंड 25 कंट्रीज कवर करते हुए तब जाके हम पहुंचेंगे भाई लंदन यूके में। काफी लोग पूछ रहे थे यूके से वापस चला के आओगे, तो वापस चला के नहीं आएंगे भाई। यूके से गाड़ी जो है वो मुंबई शिप होगी और हम फ्लाइट में बैठ के 8-9 घंटे में अपने घर दिल्ली पहुंच जाएंगे। आज का हमारा ये सफर होने वाला है इस्तांबुल से इप्साला तक, जो कि अराउंड 270 किलोमीटर है। गूगल मैप पे भाई 3 घंटे दिखा रहा है और इतने ही लगेंगे, क्योंकि रोड मैंने बताया ना मस्त कंडीशन है यहाँ की एकदम। और इप्साला जो सिटी है ना भाई, यही मेन बॉर्डर है ग्रीस के साथ जो लगता है। जो टर्की साइड की सिटी है उसका नाम इप्साला है, और जो ग्रीस साइड की सिटी है ना उसका नाम किपोई है। एक्चुअल में आज रात को हम बॉर्डर पे ही रुकने वाले हैं टर्की साइड में, और कल सुबह उठ के 5:30 बजे जल्दी निकलेंगे और क्रॉस करेंगे भाई ग्रीस का बॉर्डर, एंड सेम डे ही क्रॉस करेंगे बल्गेरिया का बॉर्डर भी। जी हाँ, उसके पीछे रीजन क्या अभी मैं शांति से बैठ के समझाऊंगा कि क्यों हम ऐसे हबड़ा दबड़ी में भाई टर्की से भागे हैं। अच्छा, इस्तांबुल जो है ना भाई वो दो हिस्सों में बटा हुआ है, एक हिस्सा एशिया में पड़ता है एंड एक हिस्सा यूरोप में पड़ता है। हम जहाँ पे रुके हुए थे ना तकसीम स्क्वायर में, वो पूरा का पूरा एरिया भाई यूरोप साइड का है। अब ऐसा नहीं है कि एशिया साइड में रोड के रूल्स अलग है या फिर यूरोप में अलग है, रूल्स पूरी जगह वही है भाई। राइट साइड में ही गाड़ी चलती है और हर गाड़ियों का लेफ्ट साइड में ही स्टेयरिंग व्हील है यहाँ पे। बाकी वही ओवरटेक भाई लेफ्ट से लेना होता है, क्योंकि फास्ट लेन लेफ्ट वाली है और सबसे स्लो लेन राइट वाली है। तो इसलिए एशिया और यूरोप की वजह से कोई भी रूल्स का फर्क नहीं है, रूल्स हर जगह पे सेम टू सेम है बिल्कुल। रोड की कंडीशन भी वैसी है, बस जो घर के स्ट्रक्चर्स वगैरह ना वो थोड़े से चेंज हो जाते हैं। यूरोप में अलग है और एशिया साइड में ऐसे बिचम बिचम सा हो रखा है सब कुछ। कल का दिन तो बहुत एक्टिव होने वाला है, सुबह जल्दी उठ के रात को लेट होटल पहुंचेंगे। एक ही दिन में दो कंट्रीज क्रॉस होगी, क्योंकि पहले ग्रीस और फिर उसके बाद बल्गेरिया। बल्गेरिया की कैपिटल है सोफिया, सोफिया जाके हमें रुकना है। बाकी देखते हैं कितनी टाइम लगेगा बॉर्डर पे, क्योंकि जो ग्रीस है वो शेनेगन कंट्री है एंड जो बल्गेरिया है वो नॉन शेनेगन कंट्री है। तो जब भी आप किसी शेनेगन टू शेनेगन कंट्री में जाते हो ना, तब तो आपका कोई भी भाई चेकिंग नहीं होती, ना कोई स्टैंप लगता है, ऐसे ही चलते रहो जैसे इंडिया में आप हरियाणा से पंजाब जा रहे हो ना, वैसी सीन होता है। जब भी आप शेनेगन टू नॉन शेनेगन किसी में एंट्री करते हो ना, तो वो एक तरह से भाई अलग कंट्री है। तो वहां पे भाई सब कुछ चेकिंग भी होगी, जैसे हम ग्रीस से जब बल्गेरिया जाएंगे ना, एंड साथ ही साथ में बल्गेरिया का स्टैंप भी लगेगा। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ बहुत हेक्टिक होगा कल का दिन, एक ही दिन में दो बॉर्डर क्रॉस करने में। हमने टर्की में ना ईरान बॉर्डर से एंट्री किया था, वहाँ पे एक सिटी थी डोजू बिजैट करके, और अब एग्जिट ले रहे हैं भाई बिल्कुल ऊपर इस्तांबुल से ग्रीस की तरफ। टोटल टर्की में कुछ हम 2300-2400 किलोमीटर गाड़ी चलाने वाले थे, एंड ओवरऑल रोड्स की कंडीशन बताऊं तो भाई 80-20 थी, यानी कि 80% बिल्कुल चौड़ी चौड़ी साफ सड़कें बिना किसी गड्ढे के, और जो 20% रोड थी ना उनमें गड्ढे नहीं थे, एक्चुअल में रोड ही नहीं थी पूरी की पूरी। तो वो पूरी मतलब ऐसे कंस्ट्रक्शन हो रही थी या फिर डाइवर्ट करके दूसरी तरफ कर रखा था बस उतना ही। 20% मतलब ऐसे 15-20-30 किलोमीटर के पैचेस आते थे खराब रोड के, बाकी भाई 8-lane highway 6-lane highway ऐसे मजेदार चौड़ी चौड़ी सड़कें थी। एंड हम पूरी टर्की में ना अराउंड 6-7 सिटीज में गए हैं, और भाई एक भी जगह पे जाके ना ऐसा नहीं फील हुआ कि अभी कुछ महीने पहले इतना तगड़ा यहाँ पे अर्थक्वेक आया था। मतलब कोई भाई है ही नहीं नामो निशान अर्थक्वेक का, ना कोई बिल्डिंग टूटी हुई, ना कोई सड़कें ऐसी हो रखी,
बिल्कुल सब कुछ सही हो रखा है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं कभी भी। टर्की का भाई हमारा टोटल अभी चौथा टोल टैक्स आ रहा है जो हमें पे करना है। अभी तक तीन बार ही हमने टोल टैक्स भरा है यहाँ पे 2000 किलोमीटर गाड़ी चलाने पर। लेट्स सी यहाँ पे कितना बनता है। यहाँ की जो लोकल गाड़ी है इनका तो 36 लीरा का कटा है। लेट्स सी हमारा कितना काटेंगे ये। हमें तो कैश ही देना पड़ेगा भाई यहाँ पे। इनके लिए तो फास्टैग चलता है, फास्टैग मतलब यहाँ का जो भी स्कैनर होगा। 36 ही है, चलो हमारे लिए भी सेम ही है भाई। अच्छा है, कोई भेदभाव नहीं है टोल टैक्स में, सेम ही है लोकल जितना। इस तरह की भाई पर्ची मिल जाती है कैश पे करने पर। ईरान में हमारा दो ही बार टोल टैक्स कटा था, दोनों पर्चियां मैंने संभाल के रखी हुई है, ये भी सारी संभाल के रखी हुई है। मस्त ऐसे कलेक्शन बन जाएगा पूरा का पूरा। भाई इन देशों में भी हाईवे पे ट्रैफिक लगता है सर, वो भी लंबा ट्रैफिक है। कुछ एक्सीडेंट हुआ होगा तभी है। ग्रीस बॉर्डर तक का रास्ता देखो भाई, बिल्कुल सी के किनारे किनारे होते हुए जा रहा है। अभी हम यहाँ पे है, ये पूरा लेफ्ट साइड में सी है। अभी तो दिख नहीं रहा घर है क्योंकि, बट अच्छी जगह है यार ये भी, जो भी सिटी है यहाँ पे। ये मरमरा करके सिटी आई थी, काफी अच्छी थी, बीचेस वगैरह थे और टूरिस्ट भी काफी दिख रहे थे। हालांकि वो सब यहाँ के लोकल टूरिस्ट थे, मतलब टर्की के ही लोग थे, फॉरेनर्स नहीं थे। अभी तक इस पूरी टर्की की ट्रिप में ना भाई मुझे सबसे बेस्ट सिटी कैपेडोकिया लगी है। मतलब वहाँ का माहौल ही अलग सा था, नजारे भी अलग से थे, और सबसे मेन भाई करने के लिए एक्टिविटीज थी, घूमने के लिए जगह थी बहुत सारी। इस्तांबुल वैसे मॉडर्न सिटी है पूरी, प्रॉपर सब कुछ मिल जाएगा, बट घूमने की जगह ही नहीं है कितना। वो हाया सूफिया, ब्लू मोस्क, गलाटा टावर और ये तकसीम स्क्वायर, ये चार पांच चीजें हैं। लेकिन कैपेडोकिया में भाई सब हॉट एयर बलून ले लो, एटीवी राइड कर लो, कैमल राइड कर लो, हॉर्स राइडिंग कर लो, फिर वो ज़ेल्व ओपन एयर म्यूजियम में मैं वहां गया था, इतने मस्त मस्त ऐसे चट्टानों के बीच में गुफा और घर बने हुए थे वो देख लो। तो ओवरऑल कैपेडोकिया सबसे बेस्ट था भाई, चार पांच दिन मतलब बंदा वहां पे ना सुकून की जिंदगी रह सकता है ट्रिप के दौरान। 140 किलोमीटर का रास्ता बचा है और भाई रेंज है गाड़ी की 103 किलोमीटर की। तो अभी नहीं, 70-80 किलोमीटर के बाद रिफ्यूल करवाएंगे, क्योंकि भाई ग्रीस में जाके महंगा हो जाएगा और ज्यादा डीजल। टर्की से ही फुल करवा लेंगे टैंक, ताकि कल वैसे इतना हेक्टिक डे है तो रुकना ना पड़े फ्यूल के लिए, सीधा हम बल्गेरिया जाके भरवाए फिर परसों। शायद से वैसे महंगा है यूरोप में, मैं कंफर्म नहीं कह सकता ग्रीस, क्योंकि लग रहा है मुझे टर्की से तो महंगा ही होगा। इतना भी नहीं, मतलब 5-6 रुपए महंगा हो सकता है, बट ईरान और टर्की में तो भाई जमीन आसमान का फर्क आ गया था। ईरान में डीजल था 7 रुपए इंडिया के, जी हाँ 7 रुपए का 1 लीटर डीजल, और टर्की में आते ही हो गया था 92 रुपीज का, 15 गुना ज्यादा सीधा। वाटर पार्क है भाई, सब लोग ऊपर देखो स्लाइड में जा रहे हैं। ओहो, अरे रोड पे ही बना रखा जरा सही है क्या, वो है सामने तक। फोर्ड का लोगो दिखते है ना भाई, ऐसी खुशी सी होती है, इतनी तगड़ी है इनकी एवरेज नई वाली, जो एंडेवर कहलाई जाती थी इंडिया में, पता नहीं कब वापिस आएगी यार। फॉर्च्यूनर से तो हम परेशान हुए पड़े भाई, एंडेवर अगर नई वाली आई ना इंडिया में भाई पक्का लूंगा, गारंटी की बात है। उसमें तो ऐसे तगड़े तगड़े फीचर है, ऊपर से लुक भी पूरी ऐसे लैंड क्रूजर वाली लगती है, और थाईलैंड में है सिर्फ 30 लाख रुपए की इंडियन करेंसी में, इंडिया में आते आते चलो 45 की 50 की भी हो जाए भाई, 60 लाख की भी हो जाए, फॉर्च्यूनर से तो फिर भी बेटर है। मेरे सामने हमारे बाइकर है, कहां के टर्की की है नंबर प्लेट, तो शायद ये भी ग्रीस ही जा रहे होंगे। तो भाई लो फाइनली पेट्रोल पंप आ गया है, इसमें भी लो फ्यूल की पीपनी बच गई थी, तो इसलिए भाई भरवाई लेते हैं। जनरली पेट्रोल पंप पे डीजल लिखा होता था, यहाँ पे मोटोरिन लिखा हुआ है, तो शायद ये डीजल ही है, इनसे पूछ तो लिया है। और रेट है इसका पता नहीं भाई, लिखा ही नहीं हुआ, यहाँ लिखा हुआ है देखो, एलपेट नाम है इसका स्टेशन का, और मोटोरिन है 23.39। बाकी पेट्रोल को तो बेंजीन बोलते हैं, तो मैंने बताया था, और 95 ऑक्टेन पेट्रोल महंगा है काफी। सामने देखो एक और फ्यूल स्टेशन है, उसमें भी लिखा हुआ है, पर वहाँ सस्ता है भाई मोटोरिन, यहाँ 23-40 का है, वहाँ पे 22-20 का है, बट वो दूसरी रोड है। कोई नहीं भाई, इतना फर्क नहीं पड़ेगा, ऐसे कितने 3-3.5 रुपए पर लीटर। अरे यार 3-3.5 रुपए तो ज्यादा हो गया, 50 लीटर भी आया तो 150 रुपए का फर्क हो गया। कोई नहीं, चलो अब स्टार्ट हो गई है भरना, तो फिर भरवाई ले है, पूरा ही खाली है ऑलमोस्ट, तो वही 50 लीटर के आसपास आ जाएगा। इस तरह की ये मशीन होती है, इसमें ये सेट कर देते हैं कि, और अपनी गाड़ी का भाई नंबर भी आ रहा है 426EZ4107, क्या बात है। टोटल भाई 50 लीटर आया है, और यहाँ से अब उसकी पर्ची निकल जाएगी, फिर अगर हमें कार्ड से पेमेंट करनी है तो अंदर मार्केट में जाके करनी पड़ेगी, वो है ना मार्केट। ऑलमोस्ट 1200 लीरा का डीजल आया है, यानी कि इंडिया के 4500 रुपए के आसपास। रेट ना लीरा का घटता बढ़ता रहता है, कभी 3.5 रुपए हो जाता है, कभी 4 रुपए हो जाता है, तो इसलिए मैं अलग अलग आपको बताता रहता हूँ। तो लीरा में
समझ लिया करो, उसको जो भी रेट गूगल पे चल रहा है उससे सीधा मल्टीप्लाई कर दो, निकल जाएगा आंसर। बाकी वो सामने सीएनजी का लगा हुआ है, ये पर्ची निकल गई है, इसमें लिखा हुआ है 1187। ओके, और यहीं पे भाई एड ब्लू भी मिल जाता है, ये देखो बड़ी बड़ी ब्रांडिंग कर रखी है इन्होंने। कुछ खाने का लेता हूँ भाई, भूख सी लग गई। गाड़ी को पहले साइड में लगाते कहीं पे और 10-15 मिनट का रेस्ट लेते हैं, क्योंकि अब 40 मिनट का ही रास्ता रह गया तो आराम से पहुंच जाएंगे 7:30 से पहले पहले। और वैसे भी यहाँ पे तो भाई जो सनसेट है वो 9 बजे होता है रात को, तो मतलब मस्त रोशनी रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे शायद से ना गाड़ी धोने वाली मशीन लगी हुई है, 5 लीरा डालने हैं यानी कि इंडिया के 20 रुपए, और ये निकाल के हम गाड़ी धो सकते हैं। देखो पानी तो पड़ा है, एक बार ट्राई करके देखते हैं, चल रही होगी तो बढ़िया भाई, वॉशिंग हो जाएगी। वॉशिंग वाली मशीन लगी हुई है, धो लेते हैं। 5 लीरा है, क्या धुलवा लिया? अबे गाड़ी ही भाई, कपड़े कहाँ यार, लेकर तो आया हूँ सिक्का, लेट्स सी बनती है बात। तो शेट यार, 3 ही पड़े, 3 है 2 रहे 2। ट्राई करते हैं, चलो मिल गए, है ना 2 डालते हैं भाई, 2 3 4 5। ओ चल गई भाई, चल गई, ले आते हैं गाड़ी फटाफट से। शुक्र है भाई, चलो इतने दिन बाद अपनी गाड़ी की वॉशिंग हो जाएगी, कहीं पे भी मिल ही नहीं रही थी वरना वॉशिंग। चमका तो नहीं पाएंगे खैर हम गाड़ी को, बट ये है कि जो ये मच्छर वच्छर इतने ज्यादा चिपके से पड़े हैं ना, ये सब हट जाएंगे। इस गाड़ी वाले को हटाना पड़ेगा भाई, वरना कैसे लगेगा, इतनी पुरानी मर्सिडीज है देखना। लो भाई गाड़ी लगा दी है, ये प्रेशर इतना तेज तो नहीं कहीं भाई साहब? ना ना, तेज वाला है ये, कुछ होगा देखो। हमने जो 5 लीटर डाले ना, शायद से वो पानी का कुछ लीटर का हिसाब होता होगा, टाइम का नहीं होता। प्रेशर तो भाई बहुत ज्यादा तेज है, ये तो पता चले रैप ही फट जाएगा गाड़ी का। टायर के वहां मारो टायर, शीशे पे डायरेक्ट मत मारना इतना तेज। लो भाई ज्यादा पानी नहीं था, ये तो 5-10 लीटर भी नहीं निकला। आगे आगे का तो साफ हो गया, बट पीछे का नहीं हो पाया। चेक करते हैं, अगर 5 लीरा और निकल गए तो मस्त पिचकारी मारेंगे। नोट का हिसाब किताब होता ना तो सही रहता भाई, नोट तो डाल देते, अब सिक्के कहाँ से लाए 5-5 लीरा। ये वाला जो है ना राइट साइड में, ये भाई साबुन का, ये तो नॉर्मल पानी का था, तो 5 लीरा इसमें डाल के आप साबुन भी ले सकते हो इसमें से। सही जुगाड़ है भाई, ऐसे रस्ते में मस्त हाईवे पे, आहा, गाड़ी की वॉशिंग। काफी हद तक आगे से कीड़े हट गए हैं, देखो हल्के हल्के चिपके पड़े हैं, बट ठीक है इतना तो साफ हो गया हेडलाइट वगैरह। मौसम बढ़िया हो रहा है भाई, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। मिल गए, चलो जी मिल गए, अब अच्छे से पीछे से भी धुल जाएगी गड्डी अपनी। ओए होए होए, चलो साबुन भी ट्राई कर लेते हैं मस्त एकदम। हाँ है भाई है, पूरे में लगा दो अच्छे से पीछे तक, शीशे शीशे पे मारो, पहले शीशे पे, विंडशील्ड पे मारो आगे। चलो जी अब अच्छे से चमक जाएगी पूरी, ओहो मजेदार। लो भाई ये भी खत्म हो गया, तो लेफ्ट राइट और आगे तो हो गया, बट पीछे नहीं हो पाया। इस साबुन से हट जाएंगे भाई ये जो कीड़े मकोड़े है सारे। पीछे से तो ऐसा जितनी गंदी नहीं हो रही थी, मेन आगे से गंदी हो रही थी, बट भाई साहब देख रहे हो साबुन लगाते ऐसे चमक सी आ रही है गाड़ी में। ओए कपड़े से हट जाएंगे अब सारे दाग अच्छे से, फिर एक बार पानी पड़ जाएगा तो सही रहेगा मस्त एकदम। लो जी लो, ओए होए होए होए, सारे हरे हरे कीड़े गाड़ी से गायब होते हुए, हेडलाइट भी चमक रही है भाई, मजेदार गजब। चलो भाई चलो मार, ओबे भाई साहब बहुत पानी, वो है प्रेशर, ओबे सही में। चलो जी अच्छे से चमक गई है भाई, सारे कीड़े मकोड़े भी गायब हो गए, बट एक बार कपड़ा मार लेते हैं वरना ना फिर मिट्टी चिपक के दाग बना देगी। मेन तो शीशों का ही है भाई साहब, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा वो दाग दिखते हैं। एंड अपनी ये मंजिल लंदन भी भाई हम बहुत जल्दी पहुंचने वाले हैं, बस यहाँ पे आ ही गए हम समझ लो, ए इस एरिया में, ये ग्रीस है, यहाँ एंटर करेंगे हम, और इतना एरिया रह गया बस, ये अच्छे से साफ होना चाहिए बस। चलो जी जितना हो सकता था साफ हमने उतना कर दिया है वॉश, और देख रहे हो इतनी बड़ी एसयूवी वॉश हो गई मस्त। केवल और केवल 15 लीरा हमारे यूज हुए, यानी इंडिया के 60 रुपए। सुसु करे आता हूँ भाई, होपफुली बना होगा, वैसे अभी तक तो जितने भी हम गए हैं पेट्रोल पंप में वहाँ बना होता था। हाय, वेयर इज द वॉशरूम? डाउन द स्टेयर्स, गो टू द लेफ्ट एंड लेफ्ट अगेन। लेफ्ट एंड लेफ्ट, ओके थैंक यू। खाने का तो कुछ समझ नहीं आ रहा, वॉशरूम ही जाता हूँ खाली। डू यू हैव फ्रूट केक? दिस हैज लाइक कैरेट एंड ओके एंड चॉकलेट, दिस वन इज चॉकलेट राइट। तो ये केक ले लिए भाई, 6 पैकेट काम आ जाएंगे जब भूख लगेगी ना। और भी काफी सारे फ्लेवर है भाई, बट ठीक है वही सही लग रहा है मुझे तो। यहाँ पे कुछ चटपटा नहीं मिलता भाई, नटखट क्रैक्स वैसी चीजें जो इंडिया में मिल जाती है ना, बट ठीक है जो मिल रहा है उसी से काम चलाना पड़ेगा। लगभग भाई 120 रुपए के आसपास इंडिया के। चलो जी अब सुसु चलते हैं। लो मम्मी की भी वीडियो कॉल आ गई। यस बोलिए, आधे घंटे का रह गया, आधे घंटे का। ये रे वॉशरूम भाई साफ सुथरे से लग रहे हैं। सही थे भाई, साफ सुथरे थे, इंडियन वाली सीट भी थी और वेस्टर्न भी थी। अरे ले लो यार, नाम देखो क्या है, पोटी लो ना। अरे थोड़ी सी खा लो, थोड़ी सी तो पोटी है क्या। सही में भाई पोटी नाम है देख लो। बाकी रेंज अपने को मिल चुकी है 528 किलोमीटर एंड 9 की एवरेज। अबे यार ये फिर हवा कम होगी, 29 चलेगा तो सही हो जाएगी, 31-32। और ये वही टायर है जिसमें हमने टर्की में घुसते ही पंचर सा लगवाया था, 1200 रुपए दे, 1000 रुपए दे के इंडिया के, बताओ। फिर भी धोखा दे रहा है, कोई नहीं।
Maybe that's why it felt so right. Do I really need to spell it out for you? So why are you trying to hide your curiosity? When I know you call my name out in your sleep. तो जी स्पाला सिटी आ चुकी है. स्ट्रेट जाते जाएंगे तो ग्रीस बॉर्डर है यहाँ से 15 किलोमीटर का, और राइट मुड़ते ही मार्केट कह रहा हूँ मतलब सिटी सेंटर आ जाएगा. ये बोर्ड लगा हुआ है तो होटल ले लेते हैं, बट कल यहीं से ही निकलना है हमें स्ट्रेट. वो सामने वाले पहाड़ देख रहे हो ना, वही ग्रीस है भाई. वापस से भाई 50 किलोमीटर क्योंकि सिटी शुरू हो गई है इसलिए स्लो चलानी पड़ेगी. बड़ी ही शांत सी सिटी है भाई, ज्यादा लोग भी नहीं दिख रहे रोड पे, खाली से लग रहा है यार. 1.5 किलोमीटर की पूरी सिटी थी, खत्म भी हो गए गिनती के कितने से ही घर होंगे. तो शुरू में ही होटल थे 2-4, वहीं पे ही पता कर लेते हैं. बॉर्डर टाउन्स का ना ऐसे ही होता है, ज्यादा चहल पहल नहीं होती वहाँ पे क्योंकि टूरिस्ट तो आते नहीं है, सब लोग बॉर्डर क्रॉस करके चले ही जाते हैं कहीं ना कहीं पे. अब आया भाई यहाँ का सिटी सेंटर, ये क्लॉक टावर भी है यहाँ पे, तो यहीं कहीं देख लेते हैं भाई होटल क्योंकि यहाँ मार्केट ना सब कुछ दिख रहा है, तो खाने पीने की भी दिक्कत नहीं होगी. पूरी सिटी भटक ली भाई, और एक यही है बस इप्साला पार्क होटल, 1300 लीरा का दे रहा है. बाकी सारे के सारे देख लो 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर 22 किलोमीटर, तो वही भाई 5000 रुपए के आसपास रूम है, बट अब कोई ऑप्शन नहीं है, यही लेना पड़ेगा. देखो भाई गूगल पे डालने पे होटल नहीं दिखा रहा, लेकिन गूगल मैप पे जा रहा हूँ ना और यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ होटल्स पे, वो देखो भाई आसपास के कितने सारे होटल आ गए और पास ही है 500 मीटर 400 मीटर 1 किलोमीटर. तो इनमें से भाई पता करते हैं किसी में, छोटा सा शहर है भाई, लगभग सब एक दूसरे को जानते हैं. तो ये फोन कर रहे हैं इन भाई को क्योंकि इन्हें इंग्लिश आती नहीं है, बट इन्हें इंग्लिश और टर्किश दोनों आती है. गूगल मैप के अकॉर्डिंग तो इसी जगह पे होटल है बट है नहीं यहाँ, तो अब लेट्स सी कितना आगे जाना है या पीछे जाना. Okay. So you need it for how many days? For tonight. For tonight. Okay, yeah. Okay. He said that he's just on his way. Okay. Thank you. You're welcome. You can just wait here just 2 minutes. Yeah. And उधर ही भाई सामने एक यूनिवर्सिटी भी है, किस चीज की है ये कह नहीं सकते. And इन भाई का यहाँ पे कैफे है शायद. And इन भाई का यहाँ पे कैफे है. 600-700 मीटर आ गए हम आगे सिटी सेंटर से, वो सामने जस्ट हाईवे शुरू हो गया. ठीक है भाई सस्ता मिल जाए, वरना 5000 रुपए यहाँ पे खर्च करने का मन नहीं है. लो भाई उस वाले होटल के ओनर आ गए, ले पैसों की ही बात कर लीजिए. हेलो, हाउ कैन आई हेल्प यू? वी नीड वन रूम फॉर टू नाइट ओनली. वी हैव अ अपार्टमेंट इन दिस अपार्टमेंट, सेकंड अपार्टमेंट. ओके, एंड यू कैन पार्क योर कार हियर. ओके, इट्स ऑल सेफ्टी. Okay. And how much for one night? How much in lira? Lira. 1000 Turkish lira. 1800 bole. He says I can do 700. Okay. Can you show us the room first? Yeah, sure. Okay. हम 800 की बोल रहे थे, उनने खुद ही 700 बोल दिया भाई सामने से. ठीक है अगर अच्छा रूम हुआ तो इंडिया के 2800 रुपए में सही मिल जाएगा. तो जो ओनर है उनको भी इंग्लिश आती नहीं थी, इसलिए इन लड़की को साथ में लेकर आए वही ट्रांसलेटर की तरह. पहले रूम देख लिया जाए तभी फाइनल करेंगे. रेजिडेंशियल अपार्टमेंट ही बने हुए इन्होंने, होटल की तरह यूज कर रहे है बस. भाई साहब बहुत बड़ा है, तो पूरे रूम बने हुए है. ये पूरा लिविंग एरिया है, वही बंक बेड वाला हिसाब किताब है. यहाँ पे 2 यहाँ है 2 बेड उधर है. वॉशरूम में जेट भी है. थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई थी, इनको बोलना था 900 लीरा बट बोल दिया 700, बट अब फाइनली डिस्काउंट करके 800 में डील डन हो गई है, अराउंड 3000 रुपए के आसपास. हेलो, व्हाट्स योर नेम? ओके, माय नेम इज अनमोल. बाकी ये इतनी बड़ी खेत सा इनका पार्किंग है, यहीं पे गाड़ी खड़ी हो जाएगी अपनी, सेफ ही है. चलो गाड़ी अंदर तो पार्किंग है नहीं, खैर बाहर ही करनी पड़ेगी. चलो जी चलो पार्क कर दी है बाहर. टाइम देख लो रात के 8 बज रहे हैं और सूरज सर पे है बिल्कुल. कहा था ना मैंने 9-9:30 बजे ही होगा पूरा सनसेट. चलो जी चेक इन वेकिन करते हैं. यहाँ पे तो पता नहीं पासपोर्ट लेंगे या नहीं लेंगे, तो बैग ले चलते अपने खाली. हमने जो सिम कार्ड ली थी ना वोडाफोन की टर्की में, वो भाई इंटरनेट खत्म हो गया और आज रात को ब्लॉग अपलोड करना है, बट यहाँ पे भाई वोडाफोन का स्टोर मिल गया और 50 GB इंटरनेट मिला है 210 लीरा, यानी कि सिर्फ 800 रुपीज में 50 GB. भाई साहब बहुत सही है. एंड यहाँ भी किसी को, हेलो, यहाँ भी इंग्लिश तो आती नहीं, तो वही है इन्होंने ही रिचार्ज करवा के दिया, मतलब ऑब्वियसली पैसे हमने दिया बट ट्रांसलेशन का काम किया. सामने ही ATM है तो पांडे गया हुआ है लेने पैसे. चलो भाई फाइनली जाके वीडियो अपलोड हो जाएगी. अब रूम में भाई कहीं पे भी AC या पंखा नहीं है, हालांकि हीटर लगा हुआ है, तो ये खिड़की खोल रखी है ताकि हवा आती रहे और मच्छर वाली जाली भी लग रही है, वरना भाई टर्की में बहुत मच्छर है. गाड़ी की तो हालत आपने देखी होगी, ऐसी हमारी हालत भी हो जाती है अगर ये जाली ना होती तो. बाकी अब आपको बताता हूँ भाई प्रॉब्लम क्या हुई है. एक्चुअल में हमारा जो शेंगेन वीजा था ना, यानी कि यूरोप का वीजा, वो हमने अप्लाई किया था भाई 3 महीने ड्यूरेशन के लिए, क्योंकि लंबी रोड ट्रिप है भाई, लगभग हमें 23 से 24 कंट्रीज यूरोप की कवर करनी थी, जिसके लिए
ऑब्वियस सी बात है भाई, 90 दिन तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि हम भाई फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे थे यूरोप का वीजा, इसलिए उन्होंने हमें भाई 90 दिन की जगह 30 दिन ड्यूरेशन वाला वीजा दिया, बट उसकी वैलिडिटी 90 दिन की दे दी। अब यूरोप का वीजा लगाने के बाद ना हमने यूके वीजा लगवाया, जिसमें हमें वैलिडिटी जो है ना वो 6 महीने की मिल गई थी। तो बाद में हमारे दिमाग में क्या कंफ्यूजन होगी कि हमारा जो यूरोप का वीजा ना उसकी वैलिडिटी भी 6 महीने की है, जबकि एक्चुअल में वो थी 3 महीने की। चलो 3 महीने की भी थी, कोई नहीं, हम सब कुछ अपने इंडिया से प्लान के अकॉर्डिंग टाइम से निकले, बट बंदरबास में हमारे 12 से 13 दिन जो है वो वेस्ट हो गए कार की शिपिंग की वजह से। हमें कार मिल ही नहीं रही थी वहां पे, कैसे तैसे हमने वो सब सह लिया, बट हम चिल थे कि ठीक है यार, यूरोप का वीजा 6 महीने की वैलिडिटी है, जबकि थी 3 महीने की, हमें लग रहा था 6 महीने की है। तो अभी कल ना हम वैसे यूएस वीजा अप्लाई करने की सोच रहे थे यूरोप में बोस्निया से, तो मैंने पासपोर्ट खोल के देखा और भाई साहब वहां पे वीजा पे ध्यान गया कि वैलिडिटी 6 महीने नहीं 3 महीने की है, और 13 अगस्त को भाई अपना वीजा जो है वो एक्सपायर होने वाला है। और हम भाई मस्ती में थे पूरे की नवंबर दिसंबर तक वैलिडिटी है, हालांकि रह हम 30 दिन ही सकते शेंगेन रीजन में, बट वीजा तो है ना नवंबर तक, और वो भाई उल्टा ही हो गया, नवंबर छोड़ो पूरा अगस्त भी नहीं था। तो अब हमारा जो प्लान था वो ये था कि हम 20 दिन नॉन शेंगेन कंट्रीज में घूमेंगे एंड 30 दिन शेंगेन कंट्रीज में घूमेंगे, जिसका मतलब अगर हम 2 जुलाई को भी एंटर करते हैं ना यूरोप में, तो आराम से भाई 20 या 22 अगस्त तक हम घूम सकते हैं, बट अब हमें 13 अगस्त तक एग्जिट मारना पड़ेगा। तो इसी चक्कर में भाई हम टर्की से फटाफट से भागे कि अब एक दिन भी वेस्ट नहीं करना, सीधा कल के कल जो है वो यूरोप का बॉर्डर क्रॉस करके यूरोप ज्यादा घूमेंगे, टर्की में तो वैसे भी 10-12 दिन रुक ही लिए ना, तो ये सारा पंगा था। और अभी भी ना यूरोप वीजा से रिलेटेड हमारे दिमाग में 1-2 कंफ्यूजन चल रही है, मैं आपसे पूछ लेता हूँ, तो अगर किसी को भी पता हो या पता लगा सकता हो, देखो ऐसी गूगल करके हवा में बातें मत करना, जेन्युइनली पता हो ना तभी रिप्लाई करना, एंड आंसर भी ना नंबर वाइज दे दे। पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे को जैसे भाई 30 दिन का स्टे मिला हुआ है कि हम 3 महीने वैलिडिटी में तो कभी भी जा सकते हैं मल्टीपल एंट्री, लेकिन रुक सिर्फ 30 दिन ही सकते हैं शेंगेन रीजन में। तो अब इसमें ना कुछ लोग कह रहे हैं कि 30 दिन रहने का मतलब है आप शेंगेन से अगर मान लो 5 दिन रह के एग्जिट कर लेते हो नॉन शेंगेन में और वापस से एंट्री करते हो शेंगेन में, तो आपके वो 30 दिन ना रिन्यू हो जाएंगे, यानी कि 5 दिन प्लस में 30 दिन फिर से, तो 35 दिन। बट कुछ लोग कह रहे हैं ऐसा नहीं होता, आप 5 दिन रुक के गए हो, अगली बार जब आप आओगे तो 25 दिन ही रह पाओगे। तो एक तो ये चीज कंफर्म करनी है। सेकंड भाई हमारा जो इनिशियल प्लान था वो ये था कि इस्तांबुल से हम ना बल्गेरिया एंटर करेंगे यूरोप में एंटर करने के लिए, बट अभी अभी कुछ दिन पहले क्या हुआ, बल्गेरिया ने गाइडलाइंस निकाली कि अब अगर आपके पास एक शेंगेन वीजा है तो आप बल्गेरिया में एंट्री तभी ले सकते हो जब वो शेंगेन वीजा को आप यूज करके आओगे, क्योंकि बल्गेरिया एक नॉन शेंगेन कंट्री है। तो इस गाइडलाइन की वजह से अब हमें ग्रीस एंटर करना पड़ रहा है 1 दिन के लिए, और सेम डे ही हम एग्जिट कर जाएंगे, जिससे क्या होगा हमारा जो शेंगेन वीजा है ना वो यूज हो जाएगा ग्रीस एंटर करते ही, और फिर जो है हमें बल्गेरिया वाले एंट्री दे देंगे उस बेसिस पे। तो डाउट ये था सेकंड वाला कि जैसे हम मान लो 1 दिन ग्रीस होके गए तो हमारा वहां से शेंगेन वीजा ना चालू हो गया, यानी कि जो 30 दिन का हमें स्टे मिला हुआ ना वो स्टार्ट हो चुके हैं। अब मान लो हम ग्रीस से एग्जिट करके बल्गेरिया एंटर कर गए, तो क्या वो 30 दिन हमारे भाई बल्गेरिया में भी काउंट होंगे, फिर आगे सर्बिया में भी काउंट होंगे, क्रोशिया में भी काउंट होंगे, या फिर खाली जो ग्रीस में हम 1 दिन रुके हैं वही काउंट होगा, बाकी फिर से रिन्यू होंगे बाद में जाके। अब वैसे तो हम कल सुबह खैर ग्रीस बॉर्डर क्रॉस कर जाएंगे तो वहां पे हम इमिग्रेशन ऑफिसर से पूछ ही लेंगे, बट स्टिल आप लोग भी एक बार रिप्लाई कर देना अगर किसी को नॉलेज हो या एक्सपीरियंस हो अपने पास्ट ट्रेवल से। बाकी रात के 11 बज चुके, काम वाम निपटाते हैं, सुबह 5:30 बजे उठ के भागना है सीधा बॉर्डर की तरफ, है यहाँ से 10-12 किलोमीटर ही, बट ठीक है भाई उठना तो पड़ेगा ना। और सीरियसली भाई इस लड़की ने ग्रीस बॉर्डर पे बहुत ज्यादा हेल्प करी, इंग्लिश की जेन्युइनली प्रॉब्लम है, ये होटल भी ना मिलता हमें इतने सस्ते में, वरना वो 1300 लीरा वाला लेना पड़ता, और साथ ही साथ इंटरनेट रिचार्ज में भी बड़ी दिक्कत आती है, हालांकि गूगल ट्रांसलेट यूज करके कुछ ना कुछ जुगाड़ लगा लेते, बट स्टिल ठीक है आसान हो गया काम। बिल्कुल साथ में जो मैंने यूनिवर्सिटी दिखाई थी ना वहीं पे पढ़ती है लड़की भी, इस्तांबुल से है, तो इसलिए जो अपार्टमेंट से बने हुए हैं ना ये भी स्टूडेंट्स के लिए बने हुए हैं, देखो बंक बेड लगे हुए हैं ताकि एक रूम में 2 लड़के लड़कियां सो सके। बाकी चलो यार इस वाले व्लॉग के लिए इतने ही रखते हैं, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन गुड बाय, एंड एज ऑलवेज तीखे रास्तों पे नहीं पड़ना फीका, बाय।